जी की हाल चाल सानू कह रहे श्रीकाल। सो गाइस तुहाडा सारा दा वेलकम है जी साढ़े एक नवे ब्लॉग ते। टाइम तुसीं पिछे देख सकते हो जी, ओह ये तो सॉरी गलत हो रहा जी, टाइम टाइम वाली घड़ी इधर तुसीं देख सकते हो जी। टाइम हुआ जी रात का 2:45 हो गए ने। एंड जिवें तुहानू कल वाला ब्लॉग दस्सिया सीगा गुरुद्वारा साहब सीगे, ते इस टाइम फिर गुरुद्वारा साहब हैगे जी। बाकी हुण चाह पीण लग्गा, चाह पीने 3 बजे सवेरे। सो हुण आपां पीण लग्गे जी चाह। नाल साडे हैगे ने भाजी, साढ़े वड्डे वीर जी भाई शेर सिंह जी। बिल्कुल कित्थे वाले? पटियाले राजपुरे वाले भाजी। सो भाई दी चाह उधर पई है जी अपनी एरी, बाबा जी ने बनाई है उधर रसोई च। ओह कहिंदे आपां छक नहीं नी। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬਾਹਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰੋਂ ਪਾਸੇ ਹਨੇਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਘਰੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਆਪਾਂ ਸੋਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ 3 ਵਜੇ ਨੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, 22 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉੱਠੇ ਹੋਏ। ਸੋ ਗਾਇਸ 3:30 ਵਜੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜੀ, ਸੌਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸ਼ਕਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੋ ਕੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ। ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗ 'ਤੇ 2 ਵਾਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਦੇਖਣ ਲਈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਸਟ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ। सो गुड मॉर्निंग एवरीबडी। टाइम तुसीं देख सकते हो जी आप 9:45 बजे सो के फाइनली उठ गए हैं। मतलब काफ़ी टाइम बाद इन्नी ज़्यादा लेट उठा मैं सो के, तो थोड़ा फ्रैश जिहा लग रहा है। बाकी रात की नींद रात की होंगी, रात की नींद का जी किसी नाल कोई मुकाबला नहीं। आ वेखो जी गर्मी आ गई, धुप देख सकते हो। तो आप चले हाँ। सो गाइस अज तैयारियां स्टार्ट हो गई ने जी। कल तो एवं लग रहा है कि तैयारियां होनी नहीं, पहला खंड पाठ साहब रखा हुआ बट अच तैयारियां स्टार्ट है। नीचे हमने तैयारियां चल दी हुई असी हम आप थोड़ी देर उपर बहते हैं फिर उस तो बाद। सो इस बार हवा देख सकते हो कितनी चलती पई है। आ पेड़ है कोई सामने वाला, और छोटे वाला सामने जोड़े झंडे लगे ने कांग्रेस के, भी तुम देख सकते हो जी किए हिलते पे ने। अंदर दोनों तीन पासों बंद है, इतने कुछ पता नहीं लगता जी। सो इतों हो गया जी मैं फ्री, हूँ 2.5 घंटे लगे थे। तो हम चलते हैं थोड़ा थले देखते हैं कि इतने की तैयारियां हुई ने, क्योंकि जिस टाइम उतने का स्टाफ आया हुआ तैयारियां करते पे से, हम चल के नीचे देखते हैं। हो सकता है टाइल आई होनी है, टाइल लाने क्योंकि वो कह रहे थे कहते कि ऑटो तो हो सकता वो थोड़ी देर जाना होगा। फिलहाल टाइल्स आई ने जी गुरुद्वारा साहब से, टाइल्स लगनगियाँ। वैसे वधिया हैगा गुरुद्वारा, तुसीं देखिया बहुत वधिया दिखता है, और इन्हों रेनोवेट कर रहे हैं। सो गाइस एक फ्रेंड मिल गया जी, वो आ गया मैं स्टेशन पर। एंड सामने खड़ी हुई है ट्रेन, तो जिते ट्रेन खड़ी हो कैप्चर ना करिए एवं कदे हो ही नहीं सकता जी। कटरा गाजीपुर वाराणसी ट्रेन, हाँ वो पीछे रुक गया जी, तो मैं बस कैप्चर करने लिए इधर नू आ गया। आंदे मैं बस मैं रोटी खाधी तो मैं नहीं पता जी मैं कितने आ, काफ़ी देर सुता रहा। तो हूँ उठा सो के अखा भी नहीं खोल रही हाँ। तो व्लॉग में आप इतने ही करते जी खत्म। जिन्होंने वीडियो इतने तक देख ली है तो वीडियो में लाइक करो, जो फर्स्ट टाइम साडा व्लॉग देख रहे हो यूट्यूब चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन क्लिक कर लियो। इंस्टाग्राम एंड फेसबुक अकाउंट की तरह डिस्क्रिप्शन मैनशन करता, तुम उतो सू फॉलो कर सकते हो।
ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦਾ ਬੜਾ ਖਾਬਾ ਬਾਏ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ।